Friends, good morning and welcome to our YouTube channel Learning Quants. आज हम कंप्यूटर के इस लेक्चर में MS Excel की सारी शॉर्टकट की को डिस्कस करेंगे. MS Excel is very important topic for all the competitive exam and also for NCERT and GCERT students. So let's start our first lecture of computer MS Excel shortcut keys. Most important shortcut keys. Control A. Control A की मदद से हम worksheet में जितना भी content है उसको एक साथ select कर सकते हैं. The use of control A is select all the content of our worksheet. Next is control B. Control B की मदद से हम जितना भी कंटेंट सिलेक्ट किया है उसको हम बोल्ड कर सकते हैं. बोल्ड मतलब गाढ़ा कर सकते हैं. सो द यूज ऑफ कंट्रोल बी इज टू बोल्ड सिलेक्टेड कंटेंट. कंट्रोल सी. कंट्रोल सी की मदद से हम जितना भी टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है उसको हम कॉपी कर सकते हैं. द यूज ऑफ कंट्रोल सी इज टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट. नेक्स्ट इज कंट्रोल डी. कंट्रोल डी की मदद से हम फिल विथ अपर कंटेंट कर सकते हैं. इसका मतलब सपोज एक सेल में हमने लिखा है लर्निंग पॉइंट्स, अब उसके नीचे के सेल में जाकर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो उसमें लर्निंग पॉइंट्स कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा. मतलब ऊपर का जो सेल है उसमें जो लिखा है उसको नीचे पेस्ट करने के लिए वी कैन यूज कंट्रोल डी. नेक्स्ट इज कंट्रोल एफ. कंट्रोल एफ शॉर्टकट की मदद से हम फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को ओपन करके उसका यूज कर सकते हैं. सो द यूज ऑफ कंट्रोल एफ इज टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन. नेक्स्ट इज कंट्रोल जी. कंट्रोल जी की मदद से हम गो टू ऑप्शन में जाकर किसी पर्टिकुलर सेल में जा सकते हैं. जैसे कि कंट्रोल जी किया उसके नीचे हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसके बाद रेफरेंस में जाकर A5 हमने वहाँ पर लिखा तो डायरेक्टली हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, A5 सेल में. उसी तरह B5 अगर लिखते हैं तो B5 सेल में पहुँच जाएंगे. तो कोई भी सेल में पर्टिकुलर जाने के लिए हम कंट्रोल जी का यूज करते हैं. सो द कंट्रोल जी इज यूज टू ओपन गो टू ऑप्शन. कंट्रोल एच. कंट्रोल एच का यूज होता है ओपन फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को ओपन करने के लिए, जैसे कंट्रोल एफ में हुआ था. सो द यूज ऑफ कंट्रोल एफ एंड कंट्रोल एच आर सेम. दोनों का यूज है वो सेम है. कंट्रोल आई. कंट्रोल आई की मदद से हम जितना भी सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है उसको इटैलिक कर सकते हैं. सो द यूज ऑफ कंट्रोल आई इज टू यूज इटैलिक सिलेक्टेड टेक्स्ट. नेक्स्ट इज कंट्रोल के. कंट्रोल के की मदद से हम कोई भी टेक्स्ट या कोई भी वर्ड को लिंक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि हमने गूगल करके एक वर्ड लिखा है, वहां पर जाकर हमने कंट्रोल के किया, उसके बाद उसको लिंक करने के लिए हमें लिखना पड़ता है उसका कंप्लीट एड्रेस, जैसे कि www.google.com. तो उस वर्ड पर जब हम फिर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो हमें कहाँ पर ले जाएगा, गूगल की वेबसाइट पे. सो इस तरीके से कोई भी वर्ड या कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी पिक्चर को लिंक देने के लिए हम कंट्रोल के का यूज करेंगे. नेक्स्ट है कंट्रोल एन. कंट्रोल एन इज यूज टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट. कोई भी नया डॉक्यूमेंट अगर हमें ओपन करना है तो हम कंट्रोल एन का यूज कर सकते हैं. कंट्रोल ओ. कंट्रोल ओ इज यूज टू ऑप्शन ओपन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन, जैसे कि सेव, सेव एज, प्रिंट. अलग अलग प्रकार के ऑप्शन को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल ओ का यूज कर सकते हैं. कंट्रोल पी. कंट्रोल पी इज यूज टू ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स. प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल पी का यूज करते हैं. उसके अंदर जाके हम प्रिंट के सेटिंग को चेंज कर सकते हैं.
और कितनी प्रिंट निकालनी है, कितना मार्जिन रखना है, वो भी सेट कर सकते हैं। कंट्रोल एस इज यूज टू सेव फाइल। हमारी फाइल को सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस का यूज करेंगे। कंट्रोल यू इज टू अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट। जितना भी सिलेक्ट किया है टेक्स्ट, उसको अंडरलाइन देने के लिए हम कंट्रोल यू का यूज करते हैं। कंट्रोल वी इज यूज टू पेस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए वी कैन यूज कंट्रोल वी। कंट्रोल एक्स इज यूज टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल एक्स की मदद से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल जेड की मदद से हम हमारी जो लास्ट एक्शन है उसको अंडू कर सकते हैं। अंडू का मतलब, सपोज आपने गलती से कुछ चीज मिस्टेक कर कुछ चीजें है वो डिलीट कर दी है, तो उसको फिर वापस ले आनी है, तो आप कंट्रोल जेड प्रेस करके जैसे थे वैसे आप हो सकते हैं। कंट्रोल वाई इज यूज टू रिडू द लास्ट एक्शंस। अंडू को करने के लिए हम कंट्रोल जेड का यूज करते हैं और उसके बाद फिर से वहीं जाने के लिए या फिर वहीं वापस लाने के लिए कंट्रोल वाई का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू इज यूज टू क्लोज अवर डॉक्यूमेंट। हमारे डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का यूज हम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस, कोई भी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए एंटायर कॉलम, जैसे कि कोई कॉलम है ए या बी या सी, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस का हम यूज कर सकते हैं। शिफ्ट स्पेस इज यूज टू सिलेक्ट पर्टिकुलर रो। कोई भी एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए वी कैन यूज शिफ्ट प्लस स्पेस। F2 इज यूज टू एडिट द सिलेक्टेड सेल। कोई भी सेल जो हमने सिलेक्ट किया है उसको एडिट करने के लिए F2 का यूज होता है। F5 इज यूज टू गो टू अ स्पेसिफिक सेल। कोई भी पर्टिकुलर सेल में जाने के लिए हम F5 का यूज कर सकते हैं। F5 एंड कंट्रोल जी दोनों का यूज सेम है। F7 स्पेलिंग अगर मिस्टेक हमने की है हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में, तो उसको सुधारने के लिए हम F7 का यूज कर सकते हैं। और F7 है वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि F7 का यूज क्या है, या फिर स्पेलिंग चेक करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो उसमें आंसर आएगा F7। नेक्स्ट है F11। अगर हम एक्सेल के अंदर कोई चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम F11 का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, हम हमारे एक्सेल के अंदर आज की डेट को एंटर करवाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल सेमीकोलन का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, अगर हम आज का करंट टाइम, अभी का जो करंट टाइम है उसको हमारे एक्सेल शीट में एंटर करवाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट और सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट की है जो हम डेली लाइफ में एमएस एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं और एग्जाम में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट्स को लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं, और उसी के साथ अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।